जैसे मैं आप सभी को दिखा सकूँ। वैष्णो मंदिर आना चाहता है जरूर आए, बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पे आके आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर और आपको लेके चलते हैं प्रेम मंदिर। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे। मैं जा रही हूँ, जाओ जाओ कह रही है, हाँ जाओ। टाइम हुआ है, बजे हैं 3 और हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब निकलते हैं हम वृंदावन के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारी विदाई हो चुकी है। बाय 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 बेटा बाय। अब होएगा धुल जाएगा। हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर। ले विशेष मेरी भी कर लीजा, ले जाना पर्स, रो पर्स रख दो क्या। तो हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर और नीचे मेरा पूरा जो मैंने ये पहन रखा है ना सरारा, नीचे से सारा खराब हो चुका है क्योंकि मैं इसके साथ में पहन के आई थी हील, और हम अपने चप्पल जूते सारे निकाल के रखे जा रहे हैं गाड़ी पे क्योंकि अंदर जूते वगैरह पहन के नहीं जाते। इसलिए आ चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर। एक बार तो मैं सोच रही थी पता नहीं यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने देंगे नहीं बनाने देंगे कि नहीं बनाने देंगे, लेकिन अच्छा है वीडियो बन रही है जिससे मैं आप सभी को दिखा सकूँ। लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे वृंदावन घूमने के लिए, बाकी बिहारी जी हमने दर्शन करके गए थे, राम मंदिर नहीं आ पाए थे वैष्णो देवी मंदिर क्योंकि मंदिर बंद हो चुके थे। तो फिर हमने बाद में प्रोग्राम बनाया कि भाई किसी मौका देख के छुट्टी होती है ऑफिस की तो फिर दर्शन करके आएंगे वैष्णो देवी माता के और अपने प्रेम मंदिर चलेंगे। जो भी प्रेम मंदिर आना चाहता है, वैष्णो मंदिर आना चाहता है जरूर आए, बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पे आके आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, एक बार जरूर आना। नाइट में बताते हैं, नाइट में काफी अच्छा होता है। पूजा कितनी ज्यादा प्यारी, कितनी अच्छे से कलाकारी की गई है। ये हमें मिला हुआ है प्रसाद। वैष्णो देवी माँ के हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर और आपको लेके चलते हैं प्रेम मंदिर। अभी मैं गाड़ी जो है वैष्णो मंदिर की आंकड़ी करी है और हम ई रिक्शा से प्रेम मंदिर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे, एक ही बात है वहाँ भी कड़ी कड़ी पड़ेगी पार्किंग में, नहीं छोटी गाड़ी और हम ई रिक्शा से जा रहे हैं जिससे आराम से जाए आराम से। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है आज क्योंकि आज है संडे इसलिए, और
तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी वॉइस ओवर करना चाहूँगी, वो मैं इसलिए कर रही हूँ, अगर मैं आपको इसका नेचुरल साउंड सुनाती तो आपको इसे देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी, और मतलब जो नेचुरल साउंड था ना वो आपको समझ में नहीं आता, और मैं भी बोलना चाह रही थी लेकिन जो मेरी आवाज़। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करना चाहूँगी, और इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि अगर मैं नेचुरल साउंड आपको सुनाती ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ये नहीं पता चलता कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, क्या आपको बताना चाह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैमरे में मेरी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए। तो हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर, यहाँ का व्यू देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ पे हर एक चीज दर्शाई गई है। तो देखिए ये है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उस समय पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे और साथ में संकट मोचन छत्र पे थे, तो वही इसमें दिखाया गया है, और देख के आपको आइडिया लग ही जाएगा कि यार कितना गजब की चीज, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ में यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, मतलब नृत्य कर रहे हैं, जैसे बोलेंगे अब लीलाएं कर रहे हैं अपनी, तो ये भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया था। उसके साथ में यहाँ पे जब श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि जो प्रेम मंदिर है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा ज़िले के बहुत ही पास में है वृंदावन, तो वहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है, और इस मंदिर का जो निर्माण किया है प्रेम मंदिर को, तो ये मंदिर बनाया है जग गुरु कृपालु महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में यहाँ पे इनकी स्थापना की है, और यहाँ पे सारी लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप जो इनकी बॉल है, दीवार है, उस पर आप देखोगे ना बहुत ही अच्छे से कलाकारी की गई है, मतलब उनमें भी मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा दयाल बाग, देखा होगा दयाल बाग में एक एक चीज़ कितनी बारीकी से बनाई गई थी, उसी तरीके से इसमें भी एक एक चीज़ लीला के रूप में ये है कृपालु महाराज जिन्होंने बनवाया था। और यहाँ पर ये दर्शाया गया है श्री राम भगवान हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं जब वो वनवास के लिए गए थे, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा म्यूजिक, तो आप यहाँ पे इंजॉय करिए, देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सच में एक बार आप प्रेम मंदिर ज़रूर आना, साथ में वैष्णो देवी मंदिर भी ज़रूर आना, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छे मंदिर हैं। जब भी आपको टाइम मिले कभी भी आना, बस ये है नाइट का प्रोग्राम आप लोग बनाना। प्रेम मंदिर में घूम के हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे खाना खाएंगे, उसके बाद सीधे घर जाएंगे, खाने में करीबन एक घंटा में लग जाएगा, उसके बाद सीधे हम निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए प्रेम मंदिर में आके हमें लगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। अगर आप लोग नहीं आए हो और आने की सोच रहे हो तो आप एक बार ज़रूर आना, प्रेम मंदिर में आने का जो शांति मिलती है ना कहीं नहीं मिलती। जैन सिकंजी रेस्टोरेंट, अभी हम आए जैन सिकंजी रेस्टोरेंट में, तो मैंने कहा सिकंजी जरूर पियेंगे यहाँ की जैन सिकंजी की, और मैंने मंगाए गोलगप्पे अपने लिए। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो यहाँ पे भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले, मेरे व्यूवर्स मिले जो थे नोएडा से, और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका नेचर काफी अच्छा था, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, घर पे जाने के बाद मेरा विश्वास मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा नहीं मतलब सबका, और हम उसके लिए खाना पैक करके लेके जा रहे हैं, तो वहीं पे खाना खाए
विश्वास को खाना देंगे, वो इंतजार कर रहा है क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने तो खाना खा लिया लेकिन मेरा बेटा भूखा है और उसकी कम से कम 2 से 3 बार कॉल आ चुकी है कि मम्मी कितना टाइम लगेगा, कब तक आओगे। तो हमें यहाँ पे एक तो थोड़ा सा टाइम लग गया खाना खाने में और दूसरा हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था अभी टोल टैक्स पे, वहाँ पे करीबन हमारा आधा घंटा मतलब ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इस वजह से अब हम निकलते हैं घर पे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आप सभी को कैसा लगा बताना कॉमेंट्स करके, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।